पाकिस्तानी अवाम की आज भी अफवाज से मोहब्बत बरकरार। सर्वे ने सबको पीछे छोड़ दिया। गैलप के जुलाई में कराए गए सर्वे के मुताबिक दीगर तमाम इदारों के मुकाबले में फौज की मकबूलियत सबसे ज्यादा यानी 88% रही। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक अवाम को मीडिया और अदालतों पर 56% तक भरोसा है। ताहम अमूमी तौर पर सियासतदानों पर लोगों के भरोसे की सतह सिर्फ 39%, पार्लियामेंट पर 47%, इलेक्शन कमीशन पर 42%, पुलिस पर 54% तक रही। सूबाई सतह पर देखें तो पंजाब में फौज की मकबूलियत की सतह 90%, सिंध में 88%, केपी 91%, जबकि बलूचिस्तान में 66% है। पंजाब में सियासतदानों की मकबूलियत की सतह 43, सिंध में 34, केपी में 29, जबकि बलूचिस्तान में 34% है। अमूमी लिहाज से देखें तो सर्वे में शामिल लोगों की अक्सरियत ने सियासतदानों के लिए मनफी राय का इजहार किया और उनमें ऐसी खवातीन ने निचली सतह पर रेटिंग दी जो केपी में रहती हैं और निस्बतन बेहतर तालीम याफ्ता हैं। सियासतदानों में देखें तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मकबूलियत 60% है, उनके बाद साद रिजवी और परवेज इलाही का नाम आता है और दोनों की मकबूलियत 38% है। नवाज शरीफ 36%, शहबाज शरीफ 35, मरियम नवाज 30, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर 28% मकबूल हैं। सर्वे में सवाल किया गया कि अगर इलेक्शन आइंदा हफ्ते हो जाएं तो किस जमात को वोट देंगे, जिसके जवाब में लोगों ने पहली चॉइस पीटीआई को करार दिया, जबकि दूसरे नंबर पर नून लीग और तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी रही। सर्वे में जब ये ऑप्शन दिया गया कि चेयरमैन पीटीआई और नवाज शरीफ में से वो किसको चुनेंगे तो 3% का फर्क आया। 46% ने कहा वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ और 43% ने कहा कि नवाज शरीफ को वोट देंगे।